इजी कुकिंग बाई परमजीत कौर फ्रॉम मोहाली में तुहाडा स्वागत है। अज असी आलू और अंडे की सब्जी बनावांगे। जे रेसिपी तुहानू अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दिओ। जे हुण तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वह भी प्लीज़ कर दिओ, नाल ही बैल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि साडे हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। हुण इहनू बनाउण वास्ते जिहड़ी जिहड़ी चीज़ की जरूरत है एक एक करके असी तुहानू दिखाने हां। आ देखो जी, सब तो पहले असी जिहड़े बिल्कुल छोटे साइज के आलू ले सी तो उन्होंने असी बॉयल कर लिया, तो बॉयल करके इस तरह के पीसिस असी इन्हू कट लिया। ये वेट जड़ा है, इस तो बाद सब कुछ करन तो बाद उपरों छिलका उतारन तो बाद 300 ग्राम यदा वेट है। तो ये वास्ते असी तीन एग लए हैं, तीन अंडे लए हैं, तो एक असी टमाटर लिया वो छोटे छोटे पीस कर लेने, थोड़े जे हरे धनिए के पत्ते, थोड़ी जी हरी मिर्च, तो जो मसाले यूज होने हैं नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, तो ड्राई धनिया साबुत, धनिया साबुत, सुक्का धनिया साबुत, तो देसी घ्यो असं इन बनावे। असं बिल्कुल इनू ड्राई बनावे, तो असं हम इन बनाना शुरू करते हैं। असं देसी घ्यो बनावे, तो कोई भी ऑयल, कोई भी की जो थोड़ा टेस्ट है तुम यूज़ कर सकते हो। ये देखो देसी घी असं ऐड कर दिता, बस उन्ना की करना जिन्ने के साडे साडे चीज़ा फ्राई हो जाए, टमाटर है होर चीज़ा बस ज़्यादा नहीं सी पाना। देखो सुक्का धनिए हाथ से थोड़ा जहा मल के असी जो साबुत धनिया उन्होंने असी ये पा देना जी। बहुत लाइट ये बनते हैं जी, आलू अंडे बहुत हेल्दी बनते हैं और बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत आसान है इन्हों बनाना। देखो जी, बस आलू पहले असी उबाल लेने, वो तो उबले पे ने बस, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन्हों बनते। देखो जिमें थोड़ा थोड़ा ये अद्धा एक मिनट असं इन्हों फ्राई करना है, थोड़ा जहा ब्राउनिश जहा हो जाएगा तो बस इमीजिएट जी असं टमाटर पा देंगे, ज़्यादा नहीं करना भी धनिया फट जाएगा। तो सारा मीडियम फ्लेम ही थी, तो बस इस तरह करके इन्हों हम अच्छी तरह इन टमाटर मैश करना है। देखो नमक असी एक छोटा चम्मच असं ऐड कर लगे, बाकी अपने टेस्ट मुताबिक घट बात पा सकते हो। इस तरह लाल मिर्च भी असी अद्धा चम्मच छोटा चम्मच पाइए, बाकी अपने टेस्ट मुताबिक तुम पा सकते हो। इनू अच्छी तरह से टमाटर मैश करना है, जो भी थोड़ा जहा अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो यह उस तो बाद असी ये जो बॉयल्ड आलू है वो ऐड करेंगे। देखो जी बहुत अच्छी तरह इस तरह मैश कर लेने, जो ये घी छट गया तो आलू ऐड कर देंगे, बहुत अच्छी तरह फ्राई हुए हैं। देखो जी आलू असी ऐड करते हैं क्योंकि जरा टमाटर से वो घी छट गया और बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए, अच्छी तरह इन्हों असी मिक्स करना है। देखो जी इस तो बाद असी ये जे अंडे हैं तीन वो ऐड कर देने, आलू के पीसिस तुम अपने मर्जी के हिसाब न कर सकते, बस असी तो इस तरह के पीसिस देखो जी छोटे छोटे आलूओं के किए तीन असी अंडे ऐड कर दते, हूँ इन अच्छी तरह असी मिक्स करा। बहुत ही ईजी है इनू बनाना, नाल ही असी हरी मिर्च पा देनी। जिन्ना ईजी है बनाना उन्ना ही ये हेल्दी बनते हैं, बहुत लाइट और उन्ना ही लाइट बनते हैं और इन्हों हजम करना बहुत आसान है। कोई भी हैवी चीज़ ये यूज़ नहीं की गई, कोई हैवी मसाला नहीं असी पाया। देखो जी इस तरह असी इनू नीचों चलाई जाना, इनू उपर नीचे करी जाना ताकि अंडे नीचे ना लग जाए। ये मीडियम फ्लेम भी चल रहा है, लो टू मीडियम ही चलना है, इसे ज़्यादा तेज़ लगे तो हल्का कर दो नहीं तो अदरवाइज मीडियम। तो इस तरह बस अंडे नू नीचे नहीं लगन देना है। देखो जी आलू अंडे की सब्जी साड़ी बिल्कुल रेडी है, तो असं एक छोटा चम्मच भर के असी काली मिर्च ऐड करांगे। काली मिर्च ना इहदा टेस्ट कई गुणा वध जांदा जी, और वैसे भी काली मिर्च जिहड़ी हैल्थ वाइज बहुत अच्छी हुंदी है खानी। तो थोड़े जैसे हरे धनिया के पत्ते असं इस ऐड करा, तो गैस असं देखो जी बंद करती, सब्जी साड़ी बन के बिल्कुल तैयार है। तो इन असी अच्छी तरह मिक्स करके तो अलग काट के असं तुहानू दिखाने। आलू अंडे की सब्जी बन के साड़ी बिल्कुल तैयार है, उम्मीद करते हैं तुहानू पसंद आएगी। एक बार बना के देखो और कमेंट बॉक्स अपने कमेंट्स जरूर दिओ कि तुहानू कैसी लगी। थैंक यू very much।